एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका के फिलाडेल्फिया ज़ू में इंसानों का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम ने एक गोरिल्ला की डिलीवरी कराई। इस टीम में पशु चिकित्सक भी शामिल थे। गोरिल्ला ने वेजाइनल बर्थ से एक स्वस्थ नर शिशु को जन्म दिया है। 17 साल की मादा गोरिल्ला कीरा का यह पहला बच्चा है। कीरा को गुरुवार को लेबर पेन शुरू हो गया था, लेकिन शुक्रवार को भी उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई। इस दौरान वह लगातार तड़प रही थी। आमतौर पर गोरिल्ला की डिलीवरी जल्दी हो जाती है, इसलिए जून के चिंतित प्रबंधकों ने डॉक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की टीम को बुलाया। चूंकि गोरिल्ला और इंसान की भीतरी शारीरिक संरचना काफी हद तक समान होती है, इसलिए गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स भी बुलाए गए थे। ये कॉम्प्लिकेटेड चाइल्ड बर्थ का अनुभव रखने वाले एक सपर्क थे। डॉक्टर्स और एक सपर्क्स की टीम में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, सर्जन और पशु चिकित्सक भी शामिल थे। प्रसव कराने के लिए पहले गोरिल्ला की राख को बेहोश किया गया, फिर डॉक्टरों ने उसके वेजिना के पास कट लगाए और वह एरिया चिमटियों की सहायता से फैलाया ताकि बच्चे को निकलने में आसानी हो। इस चाइल्ड बर्थ में 1.5 घंटे का वक्त लगा। इसमें कीरा ने एक स्वस्थ नर शिशु को जन्म दिया। चूंकि कीरा उस वक्त बेहोश थी, इसलिए बच्चे को अगले दिन उसके पास ले जाया गया। अब वह उसकी अच्छी देखभाल कर रही है। कीरा का यह पहला बच्चा है। बच्चे का पिता मोतुबा नामक वन मानुष है। 32 साल के मोतुबा का यह तीसरा बच्चा है। कीरा वेस्टर्न लोलैंड प्रजाति की गोरिल्ला है। ये अफ्रीकी जंगलों में पाए जाते हैं। यह प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है, इसलिए भी कीरा और उसके अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए इतनी कवायदें की गईं।